बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। वीडियो ऑन डिमांड में आपके साथ हम मुखातिब हैं और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का ये ऑप्शन रहा, उन्होंने गुजारिश की कि आप सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस पर एक वीडियो बनाएं। और इस वक्त हम सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस पर एक तमाम कंप्लीट एक एनालिसिस पेश कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या लेवल्स होने चाहिए, उस पर बात करेंगे, कहां पर ख़रीदना है, कहां पर बेचना है, रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन फिल वक्त हम बात कर रहे हैं उसके जो डाटा है इब्तदाई तौर पर, इस वक्त कंपनी का जो पोजीशन है स्टॉक की, वो एक साल का उसका जो लो रहा वो 25 रुपये और 40 पैसे का, हाई रहा 48 रुपये और 45 पैसे का। मौजूदा जो कल क्लोजिंग रहा स्टॉक का रेट वो 33 रुपये 36 पैसे रहा। प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखा जाए तो बहुत ही कम रहा, 1.95% का प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव है। एक साल के दौरान जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो -26.28% है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें स्टॉक की तो वो लगभग 15.39%, जो कि बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक की लगभग 21.2 अरब रुपये की है। और फ्री फ्लोट शेयर्स की अगर बात करें तो वो 28.5 करोड़ के शेयर्स हैं, जो कि इस वक्त फ्री फ्लोट हैं। टोटल जो उसका कैपिटल है उसके मुताबिक ये 45% का टोटल फ्री फ्लोट बनते हैं शेयर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, स्टॉक को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। स्ट्रेटजीज में दोस्तों आपको नंबर वन तो कबूल करना है स्टॉक मार्केट या किसी भी पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल स्टॉक है जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों को मिला दीजिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बहुत आराम और सुकून से ट्रेड होगा और प्रॉफिट्स का आना यकीनी होगा। तो इस वक्त क्या रेंज है, क्या लेवल्स हैं स्टॉक के, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ट्रेड होना चाहिए। नंबर वन तो हम तवक्को कर रहे हैं कि स्टॉक में मंदी का बिल्कुल कोई रुझान नज़र नहीं आ रहा आने वाले काफ़ी महीनों तक के लिए। और इस दौरान जो पहला लेवल है स्टॉक का, वो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 31 से 32 रुपये की सतह पर बहुत भारी सपोर्ट है। यहाँ से जो स्टॉक में जो अकामोलेशन का फेस है और एक्सपेक्टेड है, स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक लेगा। और उस दौरान इस बाउंस बैक के नतीजे में टारगेट क्या होगा, वो टारगेट इब्तदाई टारगेट जो तुम्हारी तवक्को आते हैं वो तकरीबन 38 से या मैक्सिमम 39 रुपये है। यहाँ पर आप अपने गेंस को बुक करें, दोबारा स्टॉक नीचे मिल सकता है। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो कि आपको अपनानी है, ना कि बहुत लंबी तवक्को मत रखिए नियर टर्म के लिए। स्टॉक इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, फरवरी 2017 से ऑनवर्ड लंबी मंदी देखी गई, 185 के हाई से लगातार गिरावट में है और अभी तक स्टॉक उस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ये वो ज़रूरी बात है जो कि आपको जहन नशीन करनी है। दूसरी स्ट्रेटजी स्टॉक में लोअर साइड पर मैक्सिमम अगर बात करें डाउनवर्ड ट्रेंड की, तो वो शायद 29 से 30 रुपये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट रह सकता है। वहाँ पर ख़रीदारी करना और एक स्टॉप प्रोटेक्टिव स्टॉल लगाना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। उस दौरान जो आपका टारगेट रह सकता है वो तकरीबन 42 से 41 रुपये की सतह। इस डाउनवर्ड ट्रेंड की जो रेजिस्टेंस है लंबे डाउनवर्ड ट्रेंड की 2017 से ऑनवर्ड, वो तकरीबन 42 रुपये की सतह की है। अनलेस कि ये ब्रीच हो 42 रुपये की रेजिस्टेंस, फिर स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो सकता है, बदल सकता है। उसके बाद आपको एक तीसरी स्ट्रेटजी लेनी है। अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रेक होता है अपर साइड पर, जो कि हम तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 महीनों में बहुत कम इसके चांसेस हैं ये ब्रेकआउट हो अपर साइड पर, तो फिर आपको नई स्ट्रेटजी लेनी होगी। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है इस ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद टारगेट लगभग 69 रुपये की सतह का। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफिज़।